हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, आप लोगों को पता ही है कि कुमाऊँ के संस्कृति चैनल से ब्लॉग आया हो, तो वही चैनल है। तो गाइस, उस चैनल में हम कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। कुमाऊँ के संस्कृति चैनल का जो नाम है और जो लोगो है उसका चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसके मेन रीज़न यही है। गाइस, आज तक मैंने उस चैनल में बहुत सारी वीडियो बनाई, 250 से ऊपर वीडियो बना चुका हूँ उस चैनल पर मैं। तो गाइस, सभी लोगों के आजकल बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप लोग जहाँ भी वीडियो बनाते हो तो वहाँ के बारे में कुछ बताओ। मैंने पहाड़ी संस्कृति, पहाड़ी रीति रिवाज, कुमाऊँ की संस्कृति के जो उससे रिलेटेड वीडियो थी, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई। मैंने मंदिर में जाके भी वहाँ की भी वीडियो बनाई है, तो आप लोग देख सकते हैं चैनल पर जाके। तो गाइस, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप जहाँ भी वीडियो जाते हो, वहाँ जहाँ जाते हो वहाँ की वीडियो बनाए और वहाँ के बारे में भी कुछ बताए। तो गाइस, पहले क्या करता था, वीडियो बनाई हमने, गाना डाल के यूट्यूब पर डाल दिया एडिटिंग करके। तो गाइस, वो लोग बोलते हैं कि मतलब वीडियो तो बहुत अच्छी है, पर इसके बारे में कुछ बताए तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी सोचा कि अगर जो लोग इस चैनल पर जुड़े हैं, जो उसके सदस्य हैं, जो उसके फैमिली मेम्बर हैं, तो उनके लिए भी कुछ करना तो बनता ही है ना गाइस। इसलिए मैंने भी ब्लॉगिंग के लिए आज हम ब्लॉगिंग करेंगे। तो आप जो कुमाऊँ की संस्कृति चैनल है, उसका नाम आज के बाद हम नाम चेंज करेंगे, उसका नाम रखेंगे कुमाऊँ की संस्कृति ब्लॉग। तो आप लोग सर्च मारोगे तो कुमाऊँ की संस्कृति मारोगे तो वैसे तो आ ही जाएगा सर्च लिस्ट में। तो हमने ब्लॉगिंग के लिए ट्राईपॉड परचेज कर दिया है, और इसकी खासियत यह है कि हम इसको ऐसे भी कैसे तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। हम अगर आप लोग भी कर यूट्यूबर हैं तो आप परचेज कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके साथ ट्राइपॉड के साथ एक कंट्रोलर आया, रिमोट कंट्रोलर, ये ब्लूटूथ से चलता है, और साथ में ही एक माइक आया है, कम करीबन 1.5 मीटर लंबा माइक है ये, और आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में है। और गाइस, आप लोगों ने अभी तक बहुत प्यार दिया है, तो अपना प्यार आगे ऐसा बनाए रखें। तो कुमाऊँ की संस्कृति जो चैनल है, उसका जो हम नाम है, जो उसका लोगो है, बहुत जल्द चेंज कर दूंगा। वैसे तो मैंने जो ब्लॉग डालूंगा इसी में चेंज कर दूंगा मैं चैनल का नेम, और लोगो थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइस, आप लोग मुझे जानते होंगे कि मैं कहाँ का हूँ, तो बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं उत्तराखंड से हूँ। जिला में डिस्ट्रिक्ट हमारा अल्मोड़ा पड़ता है, और जो मेरा गाँव है चिल है, दनिया के पास में। मेन सिटी तो आपने देखी होगी दनिया, दनिया के पास में मेरा गाँव पड़ता है चिल, जेल से बिलोंग करता हूँ मैं। सो गाइस, तो लोगों के लिए मतलब लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे, आप इस तरीके की वीडियो बनाओ, तो मैंने उन्हीं के लिए मतलब ये ब्लॉगिंग चालू कर रहा हूँ। तो गाइस, फिलहाल तो मैं दिल्ली में हूँ, और जब भी मैं गांव जाऊँगा तो ब्लॉगिंग उसके बारे में बता दूंगा। और जब तक तो मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं दिल्ली में भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ। मैं होटल की वीडियो बनाऊँगा कि होटल में क्या क्या होता है और वहाँ खाना कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ब्लॉग में बने रहे, और जो कुमाऊँ की संस्कृति चैनल है, इसके 54,000 मेंबर बन चुके हैं, 54,000 फैमिली सदस्य हो चुके हैं पूरे। इसको हमने 1 लाख मेंबरशिप बनाने हैं इसको। तो आप लोग साथ जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिन लोगों ने नहीं किया है उन तक भी चैनल को पहुँचाना है, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, जैसे कि आज तक आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और ये प्यार आगे भी बढ़ाते रहना है। जैसे कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, ये प्यार आगे भी बढ़ा, जैसे कि आप लोगों ने हर वीडियो में इतना प्यार दिया, तो वो प्यार आगे भी देना है। सो गाइस, ये ट्राईपॉड है, अगर आप लोग भी एक यूट्यूबर हैं तो आप लोग भी अगर ऐसे मतलब ब्लॉगिंग बनाना चाहते हो तो मतलब इसको परचेज कर लेना। ये जिम जो गिम्बल है ना, गिम्बल से मतलब गिम्बल की तरह है। गिम्बल में क्या है कि वो थोड़ा उतना बजट हमारे पास है नहीं, तो उसको हम परचेज नहीं कर पाए। तो हमारे पास जितना बजट था उस लेवल का हमने बजट कर रखा है। क्या इसमें मतलब ब्लॉगिंग तो हाथ से भी बन जाती है, अगर हाथ में हम मोबाइल लेंगे तो उससे भी बन जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है गाइस, उसमें जो हम सिनेमेटिक शॉट बनाते हैं ना इस तरीके से, वो उसमें बन नहीं पाता है। तो इसलिए हम ट्राईपॉड का यूज़ करेंगे, तो इसमें मतलब सिनेमेटिक शॉट अच्छे आ रहे हैं। तो अगर आपके वीडियो में सिनेमेटिक शॉट रहेंगे तो वीडियो बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे चैनल पर जो वीडियो डाली है वो सिनेमेटिक शॉट में ही डालता हूँ मैं, काफ़ी अच्छे व्यूज आते थे उस पर। तो गाइज, हम आज के बाद हम इस चैनल पर ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। हाँ, गाने भी आएंगे हमारे चैनल से, कवर
कभी कभार ही आएंगे, लेकिन आज के बाद जो हमारा मेन मकसद रहेगा तो वह हमारे ब्लॉगिंग ही रहेगा। तो आज के बाद हम अपने चैनल का नाम भी चेंज कर देंगे, कुमाऊँ की संस्कृति ब्लॉग। सो गाइस, आप लोगों ने बहुत प्यार देना है आगे भी, और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आज तक मैं कभी मैंने अपना मतलब फेस इस तरीके से मैं यूट्यूब पर ब्लॉग में लाया भी नहीं हूँ, और ना मैं कभी लाइव आया हूँ। तो मैं आज के बाद कभी लाइव भी आया करूँगा, और मैं आज के बाद खुद ब्लॉगिंग करूँगा। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है ये। मैं आज के बाद डेली मतलब 2-3 दिन में ब्लॉग, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ब्लॉगिंग बनाया करूँगा। और जो लोग मुझे नहीं भी जानते होंगे वो लोग भी जान जाएंगे कि बहुत से लोगों ने मेरे, जैसे कि मैं पहले वीडियो बनाता था तो मैं ब्लॉग, जैसे कि जो वीडियो होती थी वीडियो के ऊपर जो लोगो आता था उसमें अपनी फोटो डालता था मैं। मुझे डालना तो पसंद था नहीं, पर मैंने कहा कि थोड़ा लोग जो लोगों से जान पहचान बन जाए, इसलिए मैंने लगा दिया। लेकिन आज के बाद मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा तो आप लोग वैसे भी पहचाने जाओगे। और गाइस कमेंट में बताना कि आप लोग कहाँ से हो, कौन से मतलब सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो कहाँ के लोग देखते हैं, तो कमेंट में बताना कि मैं यहाँ से हूँ, करके अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना, गाँव का नाम डालना। वैसे मैं पूरा उत्तराखंड में सबको जानते ही हूँ, सब डिस्ट्रिक्ट देखे हैं मैंने कि कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से। मैं जो रेगुलर मैं जो वीडियो देखते हैं कमेंट करते हैं वो लोग तो करेंगे ही, और जो लोग नहीं भी करते हैं वो लोग भी करना कि आप कहाँ से हैं, कि कहाँ मेरी वीडियो ज़्यादा देखते हैं, कहाँ के लोग। तो गाइस मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो गाइस मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि मतलब मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ और अच्छी सी ब्लॉगिंग करूँ। तो गाइस आप लोग सपोर्ट करना, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, और थोड़ा फर्स्ट बार बोल रहा हूँ तो थोड़ा आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बहुत कुछ करूँगा आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तो इसी के साथ आप ये ब्लॉग हो चुका है कंप्लीट, मैंने जो बताना था बता दिया। अगर आपको कुछ पूछना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, और हम फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके गाइस।